चलो मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है, हम कौन से डायरेक्शन में ट्रेस करते हैं, क्या क्या चीज हो सकती है। आज थोड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट रहा है, मॉर्निंग में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मार्केट रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो हमें मौका नहीं मिल पाया एक ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि प्लान बना के रखा था कि मार्केट अगर लगभग 47,000 के पास ओपन होता है, अगर एक कोई हैमर कैंडल बन देती है तो विल गोइंग टू बाय द मार्केट यहाँ पर। लेकिन अगर मैं 15 मिनट की कैंडल पे देख रहा हूँ कोई नहीं, 5 मिनट के कैंडल पे कोई नहीं, मतलब लगभग होता क्या। देखो मैं कोई भी कंसेप्ट कभी भी बताता हूँ ना तो उसके पीछे के लॉजिक्स आपको पता होने चाहिए। मतलब कल कुछ एक मुझे मैसेज दिख रहा था कि सर कौन सी कैंडल आप बोलते हो ये समझ नहीं आता, 15 मिनट की, 5 मिनट पे, 30 मिनट की, 1 मिनट की, कौन सी। भाई सारा चीज़ों का ना एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग से होता है, जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा वो कैंडल का मैटर नहीं करता कि कैंडल कितनी साइज की है, लेकिन वो हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग जाकर देखना पड़ता है। उसी को हम बोला जाता है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखना चाहिए आपको, उसी को हम बोलते हैं जाकर के पहली बार जाओ एंड आप जाकर अब यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखो। इसके नाम में ही तो सारी चीज़ें रखी है कि मल्टी टाइम, इसके अंदर ये सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल टाइम्स में जाकर उसको मार्केट को देखना पड़ता है। अगर आप फिलहाल के लिए देखते आज के वीडियो का गोल होगा, आज के वीडियो का टारगेट होगा आपको 1,000 लाइक कर देने हैं। आज के वीडियो का टारगेट क्या होने वाला है, 1,000 लाइक होने हैं। मैं बता देता हूँ, वीडियो को जैसे एडिट करोगे वहाँ पर लिख देना है ऊपर के कॉर्नर पे लाइक 1,000 करके, तो यहाँ पर ये सबको दिखना चाहिए ताकि वीडियो को जब से स्टार्ट करोगे खत्म होते तक आपको लाइक करके ही जाना, ये बात को याद रखना है। तो लाइक 1,000 वीडियोज आपके लाइक आने ही चाहिए आज के दिन पे। चलो ठीक है, अभी मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सुबह के बारे में, मार्केट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। एक मिनट यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर अभी नहीं हो सकता, 5 मिनट का चार्ट शिफ्ट नहीं होगा, फिर से सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। चलो ठीक, अभी अगर आप फिलहाल को लिए देखते हो तो सुबह हुआ क्या, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। यहाँ पर ओपन होने के बाद ये जब ये टाइम थोड़ा सा स्पेंड करने लगा ना, तो मैंने सोचा कि एक मोमेंटम डाउनसाइड में मिल सकता है, तो मैंने डाउनसाइड के लिए ट्रेड लिया। लेकिन इसने इतना, एक्चुअली में यहाँ से मार्केट रिवर्सल आएगा, मेरा थोड़ा लेवल अभी थोड़ा सा नीचे था, एक प्लान में लेवल था, इसको बोला जाता है FIDIs के जो सिस्टम होती है, FIDIs के फुटप्रिंट पर चलना वो सिस्टम होता है। ये सिस्टम मैं यहाँ पर कभी कवर नहीं कर सकता, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड उसके लिए कुछ बड़ा लंबा समय लगता है उन चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि जब तक चार्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा या फिर चार्ट का नॉलेज नहीं आएगा वो कवर नहीं हो सकता। वो FIDIs सिस्टम में ऐसा हो जाता है कि डॉट लेवल पे मार्केट आता है और वहीं से रिवर्सल इतना जबरदस्त देके चला जाता है कि आप वहाँ से इजिली पैसे बना के भाग सकते हो आराम से, कुछ जा रुकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो मौका मुझे क्या हुआ, ये बॉटम पे लेवल भी मुझे मिलना चाहिए था, मैं उसी के लिए वेट कर रहा था कि यहाँ से अगर निकल जाता तो इतना भी मिल जाता है तो लगभग मुझे 60 से लेकर 80 पॉइंट के आसपास का मुझे PE में प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन हुआ क्या, लगभग ये नीचे तो आया, 50 पॉइंट का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा था, लेकिन मैंने उसी को आपको देखा होगा टेलीग्राम चैनल में मैंने डाला था कि 50 पॉइंट का प्रॉफिट 1 मिनट के अंदर अंदर सीधे लॉस में कन्वर्ट होगा विद इन अ सेकंड के अंदर अंदर, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ तक कहीं पर पहुंच जाता है तो आई एम गोइंग टू बाय द मार्केट, फिर मैं यहाँ से पोजिशन को एग्जिट करूंगा और फिर बाय करने के लिए भी जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल मुझे दिख रहा था। इसलिए मैंने कल भी आपको बोल के रखा था, अगर याद होगा आपको, कि 47,960 ये सारे लेवल्स मैंने आपको पहले ही बता के रखे थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने थोड़ा सा पहले ही ऊपर से साइड में जंप कर लिया और मुझे मौका नहीं दिया इसने कुछ भी करने का। आई थिंक एक मिनट हम लो देख लेते हैं कि इसका आज ने लो कितना लगाया था, क्या हमारे लेवल के पास ही तो लगाएगा, नहीं लो तो थोड़ा सा लंबा दूर था। मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं चाहता था कि और 30-40 पॉइंट, अगर 40-50 पॉइंट भी अगर नीचे आ जाता ना तो मेरे लेवल के पास आ जाता, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट को बुक भी कर सकता था, यहाँ पर मैंने जेल लगाया था बुक भी कर सकता था और मैं रिवर्सल भी ले सकता था, क्योंकि वो प्लान में था मेरे हिसाब से। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं दिया और पहले ही यहाँ से जम कर लिया। लेकिन ठीक है, हम प्लान में थे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने सडनली इस पोजिशन पर मैं जो प्रॉफिट बना रहा था PE के साइड में, वो प्रॉफिट यहां तक आते आते रिवर्सल जैसे कर गए, यहां पर मेरा वही प्रॉफिट एक झटके में ही वो माइनस में चला गया और यहां पर मुझे लॉसेस दिखने लगे, PE में लॉसेस। लेकिन एज अ ट्रेडर हमें पहले से अगर लेवल्स को पता है, मुझे पता है कि यहां से मार्केट कैसे रिएक्शन देने वाला था, उस हिसाब से मैंने फटाफट करके उसी पोजिशन को कन्वर्ट कर दिया कॉल साइड में और यहां पर मैंने प्रॉफिट जनरेट करने का मौका ढूंढने का कोशिश किया। और फिर यहां पर जैसे ही बाइंग हुआ, एक शार्प बाइंग मोमेंटम आया और इसी बाइंग मोमेंटम में लगभग लगभग 80 पॉइंट के आसपास, 80-90 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम यहां तक आपको मिल गया होगा। लेकिन मैं भी इतना पर्सनली नहीं रुका था, मैं इसी कैंडल के हाई के आसपास यहां पर एग्जिट करके निकल गया था, क्योंकि विद इन अ मिनट के अंदर अंदर यहां पर एक जबरदस्त तरीके से एक मोमेंटम मिला था, 50-60 पॉइंट का एकदम सडनली शार्प अपसाइड मोमेंटम मिला था और यहां पर मैंने वो कैच करने का मौका ढूंढा और यहां पर मैंने भी कैच कर लिया। लेकिन उसके बाद कुछ मार्केट में मोमेंटम ही नहीं बना, कहीं ना कहीं कुछ बना ही नहीं उसके बाद जाकर। अगर आप देखते हो तो आज मुझे एक दो मैसेज
मैसेज भी आ चुके हैं कि सर आज के दिन पर मार्केट में मेरा पूरा कैपिटल खत्म हो चुका है। उस पर्सन ने मुझे 2-3 दिन पहले मैसेज किया था कि सर मैं क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन आज उसने पूरा का पूरा लॉस कर लिया। समझ नहीं पाता कि लोग चाहते क्या है मार्केट से और क्या मार्केट में इतनी जबरदस्ती मार्केट को क्यों करते रहते हैं, मैं कभी समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी भी जाकर वो मार्केट से एक ही दिन में करोड़पति क्यों होना चाहते हैं लोग, मैं कभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर एक दिन में करोड़पति हुआ जाता या फिर एक दिन में सब कुछ हो जाता है, फिर एक महीने में अगर सब कुछ हो जाता तो आई थिंक सब लोगों ने पूरे काम धंधे छोड़कर, जिन भी लोगों ने कॉफी शॉप डाला है वो बंद कर देते, जिन भी लोगों ने कोई इंडस्ट्री डाली है कोई कंपनी डाली है वो सब बंद करके सब शेयर मार्केट में चले आते, सब बोलते कि आप यहाँ पर आकर खेल खेलते। भाई इतना ईजी भी नहीं होता है और इतना एक्चुअली में डिफिकल्ट भी नहीं होता है। जब तक आपको तरीका ही नहीं समझ पा रहे हो कुछ भी फायदा नहीं है। सोच के देखिए, उनके पास लगभग लगभग 40,000 का कैपिटल था, 40,000 का कैपिटल था, आज उन्होंने आकर पूरा उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया, पूरा आज में लॉस कन्वर्ट किया। अगर मैं बोलता बस इसमें से छोटा सा अमाउंट मांग रहा था, हम यार सीखने के लिए आपको छोटी सी अमाउंट चाहिए होती है, लगभग इसका पार्ट भी देखा जाए तो 20% भी नहीं, लगभग 30% आपको बस लर्निंग में लगाने थे। अगर आपके पास ये अमाउंट थी तो 30% लगभग लगाने थे और आपको ये प्राइस में, तो चलो मैं बोलता हूँ कि मेरे से नहीं सीखो यार, चलो छोड़ो मेरे से नहीं सीखो, कोई दिक्कत नहीं, किसी और से सीखो जहाज पर आपको अच्छा लगता है, जिनके मार्केट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जिनके पास नॉलेज अच्छा है, उनके पास सीखो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखो यार, सीखो, बिना सीखे यहाँ पर कुछ काम का नहीं है। ये यहाँ से साइडवे जाएगा ही जाएगा, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। कौन सी स्ट्रेटजी लगाओगे, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी उठा के लाओ यहाँ पर काम करेगी मुझे बता देना, कुछ नहीं काम करेगा। कितना भी जो जी जान लगा लो यहाँ पर कुछ काम नहीं करेगा। क्या बताओ आपका RSI क्या बता रहा होगा यार, RSI आपको यहाँ पर RSI का कोई स्ट्रैटेजी होगा, आपका स्ट्रैटेजी लगा रहा होगा ये 60 और ये 40 का लेवल है, हाँ लगाओ RSI कोई भी, RSI बोल रहा होगा इसके ऊपर बाय करो, RSI आपका यहाँ पर बाय ही चला गया तो बाय करोगे यहाँ पर, क्या करोगे, RSI फेल होकर नीचे आएगा, RSI फिर से नीचे, फिर बोलोगे चलो RSI तो लॉस कर गया फिर तो। भाई सब कुछ खेल है, चार्ट के एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, मार्केट का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रेंड एनालिसिस, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद SMC, उसके बाद आता SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट, उसके बाद आता ट्रैप ट्रेडिंग, ब्रेकआउट फेल्यूअर्स, ब्रेकआउट सीरीजन, सब कुछ चीजें अंडर एक ही चीज के अंदर आती है, वो है मार्केट की पैटर्न्स के अंदर, मार्केट की कैंडलस्टिक के अंदर, क्योंकि सब कुछ चार्ट जो बन रहा है, ये कैंडल्स बन रहे, ये कैंडल जो भी बन रहा है वो सब कैंडल्स का खेल है, सब कैंडल्स का खेल है। तो जब तक आप उस कैंडल्स को ही रीड नहीं कर पा रहे हो, कौन से बेसिस पे पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे इस बात का बुरा लगता है जब बालकर की कोई बोल के चला जाता है सर 40,000 का कैपिटल था मेरे पास, बस इतना ही था मेरे पास, मैंने उसको जीरो करवा दिया एक ही दिन में। भाई समझ, आप बताओ तो सही यार, कौन सा ऐसा धंधा है कि जिसमें पूरे दिन में एक बार डुबाया जाता है। तो मार्केट कौन सी अलग सी चीज है, मार्केट तो मार्केट ही है, यहां पर आप भी पैसे बना सकते हो। बुरा लगता है यार, मुझे भी पर्सनली बुरा लगता है, क्योंकि मैंने जो गलती की आप वही गलती करके क्या फायदा। मैं एवरीडे आकर एनालिसिस शेयर करता हूँ, राइट चीजें बता देता हूँ, सब कुछ चीजें बता देता हूँ, हमेशा चीजें बोलता हूँ, इतना तो कल ही तो बता के, इतना भी सिंपल भी समझते तो यहाँ पर कि नीचे से कोई भी मार्केट ऊपर आया तो मार्केट ऊपर आएगा और फिर इस रेंज में मेंटेन करके फिर बाद में देखेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। इतना तो हर दिन पर देख रहे हैं ना, ये तो कल भी बता के रखा तो क्यों लॉस कर रहे हो, इसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, ओनली सेलिंग ही सोचेंगे, ये तो पहले ही बता के रखा था। फिर भी उन लोगों ने, भाई सबने बाइंग करके पैसा बनाने का कोशिश किया, इस बार में बार 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 उनका प्रीमियम डी की वजह से खत्म हो गया। क्यों समझ नहीं पाता मैं, छोड़ो यार, मैं मेरा भी मतलब मुझे बुरा लगता है इस बात से कि आप इतना लॉस क्यों करते हो। ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब देखिए, यहां पर भी मैं इंस्टा पे लाइव था तो ये जो मोमेंटम आया था ना, ये जो मोमेंटम एक आया यहां पर, ये नीचे के साइड में एक मोमेंटम, ये मोमेंटम मैंने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी अपडेट करके दिया था कि यह बार एक मोमेंटम आएगा और टारगेट भी मैंने यही डिसाइडेड करके रखा था। एक्चुअली में यही टारगेट मैंने दिया था उनको और एग्जैक्टली मार्केट ने जब यहां से निकला तो यहां तक पहुंचकर उनको टारगेट दिया। कुछ स्टूडेंट्स ने टारगेट भी यहाँ पर अचीव कर लिया और उनके पास मेरे कमेंट भी आ चुके कि लगभग 60-70 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने कैच कर लिए सर, एक ही कैंडल के अंदर अंदर मुझे इतने मिल गए थे, हमने भी कैच करके निकल गए। बहुत अच्छी बात है, ये कैंडल पे आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो, यहां तक जा रहे हो। और मैं यहां पर ही क्यों बोल रहा हूँ, मैं यहां से लेकर के यहां पर ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसी को बोला जाता है यार कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेके जाना, उसी को तो बोला जाता है कि कौन किसने बताया कि एक्चुअली में अगर आप प्री मतलब जो बोलते हैं ना कि एक रट्टा मारा हुआ जो स्टडी होता है ना, रट्टा मारा हुआ स्टडी बोलता है कि टारगेट आपका यहां तक मिलना चाहिए, या फिर दूसरा रट्टा मारा स्टडी बोलता है कि 47 का टारगेट होना चाहिए। लेकिन भाई स्मार्ट किसी को बोला जाता है, मार्केट में स्मार्ट कौन होता है, मार्केट में स्मार्ट वही होता है कि जिसको पता होगा कि यहां से मार्केट बाउंस बैक करेगा, यहां से मार्केट बाउंस बैक करेगा, ये स्मार्ट पर्सन को पता होता है, तभी तो वो स्मार्ट बने हैं। जब तक आप स्मार्ट नहीं बनोगे कोई फायदा नहीं है मार्केट में बनाने का। मैंने आपको क्यों ये नहीं बोला था कि कल मैं ऐसा क्यों नहीं बोला कि 47,000 पे ही मार्केट यहां से घूम जाएगा,
मैंने ऐसा क्यों बोला फिर 46,960 ये सारे लेवल पे मार्केट फ्लो फ्लो के साथ वहां तक आएगा, ऐसा क्यों बोल के रखा था? कुछ तो होगा ना, ऐसा तो बोला था मैंने कि फ्लो फ्लो के साथ मार्केट यहां तक आ सकता है, अगर मार्केट यहां पर होगा तो फ्लो फ्लो के साथ ये लेवल के पास आ सकता है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जब तक ये रीजन नहीं पता चलेंगे, पैसा बनाने से कोई फायदा नहीं है, एंड बनेगा भी तो बचेगा नहीं, बचेगा भी तो रुकेगा नहीं, रुकेगा भी तो फिर वापस गेन नहीं होगा। तो बस मेरा फोकस यही होता है हमेशा, मैं क्यों जी जान चिल्ला कर इतना आता, आपको पता है मेरे यूट्यूब कितना देता है? सारा कोई देखा नहीं, अगर किसी को बिलीव नहीं होता है तो ओपन करके दिखाऊंगा एक दिन में, कभी पूरे महीने में भाई 15,000, 17,000, 18,000, हाईएस्ट यूट्यूब से आज तक कितना बनाए पता है? हाईएस्ट एक महीने में 21,000। इक्कीस हजार के लिए मैं खड़ा रह रहा यहाँ पर आपके लिए, 21,000 के लिए खड़ा रह रहा हूँ, लगता है आपको दुनिया में इस टाइम पे मैं, जब मैंने खाना भी नहीं खाया होता, 5 बजे खाना खाता हो, तो 21,000 के लिए तो खड़ा नहीं रह रहा होगा। आपको कुछ अच्छी चीजें देने के लिए खड़ा रह रहा हूँ ना, तो उस चीज को समझो यार। 15,000 तो मेरे पेट्रोल में लग जाते पूरे महीने के लिए, इतना का तो गाड़ी के लिए लगता है घूमने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए। तो मैं इस 15,000 16,000 17,000 कमाने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कि पर्सनली मैं बोलता हूँ मेरा भी तो कुछ थिंकिंग है। मैं इतना मतलब सो कॉल्ड मैं तो मतलब वो नहीं हूँ कि मैं शिवाजी महाराज तो नहीं हूँ कि मैं सारा को दुनिया के देख रहा हूँ, मेरे लिए भी कुछ कर रहा हूँ। मेरे लिए कुछ कर रहा हूँ क्या, मेरा एक ही मतलब है कि भाई मुझे ऐसा एक एग्जाम्पल सेटअप करना है कि नेकेड चार्ट को देखकर पूरे स्टॉक मार्केट को समझा जा सकता है। इसका इसका कंप्लीटली एग्जाम्पल मुझे सेटअप करना है, जिसका नाम होगा ओमी सागर। ये एग्जाम्पल मुझे सेटअप करना है मेरा खुद का, यही मुझे एक एक क्या बोलते हैं उसका, मुझको एक वर्ड है यार मुझे याद नहीं आ रहा है, आपकी खुद की एक मोनोपोली बनाओ कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, उसके एक बोला जाता है यार वर्ड मुझे, ट्रेंड तो सेट करते हैं उसको बोला जाता है, लेकिन एक होता है कि जहां पर मैं नेकेड चार्ट को देखकर बस आपको चीजें समझा दूंगा और कंटिन्यूअसली परफेक्शन मार्केट के साथ एवरी डे पे मैं मार्केट को आकर एक इस तरीके से एग्जांपल सेटअप करूंगा कि मैं एवरी डे आकर आपको एनालिसिस बताऊंगा और मार्केट उसको सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से हम कहीं ना कहीं प्लान बना रहा हूँ मैं मेरे खुश के लिए भी, आई एम सेल्फिश वन, कि मुझे नाम बनाना है मेरा और आपको वो सिखाना है, सबसे बेस्ट लर्निंग देने के लिए मुझे भी खुद को कुछ बनाना है, दैट्स आई एम कमिंग हियर। तो आपका भी मोटो क्लियर हो रहा है, मेरा भी मोटो क्लियर हो रहा है, तो गिव एंड टेक जब तक बिजनेस में चलता है तब तक सारी चीजें वर्कआउट करती है, बस मेरा गोल यही है। और वो आप समझ गए होंगे, चलो अभी बहुत हो गया, कुछ चीजें समझ गए होंगे। एक पर्सन कुछ है जो कमेंट किया था कल भी जाकर कि क्या यार खुद का मतलब आप एनालिसिस के साथ साथ इतनी सारी चीजें बता दे तो हमें नहीं देखना है, हमें नहीं देखने कोई जरूरत, हमें बस आकर पॉइंट बता दो फिर चले जाओ, बस इतना ही चाहिए। अब अगर उसको उतना ही चाहिए तो भाई तू निकल जा, क्योंकि तेरी जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैं जो चीजें समझा था उसके अंदर कुछ बहुत सारे लॉजिक आता है। थोड़ी देर पहले जो जो चीजें बताई थी कि मैंने यहाँ पर बाइंग किया फिर मार्केट यहाँ तक नीचे आया, मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने वाला है, कुछ लेवल मैंने देखा था। अब देखते कितने सारे लोग जाकर ढूंढ के निकाल लेते, जिनको कुछ पता चलेगा तो ढूंढते, मैं तो नहीं बताया मैंने जी कि जाकर ढूंढो। अब आपको इतना तो समझ जाना चाहिए कि मैंने कुछ तो यहाँ पर हिंट दे रखा है आपको कि यहाँ पर कुछ तो है ऐसा जहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकता था, जाकर ढूंढो। अब जब खुद से थोड़ा सा लगाओगे तो मजा तो आएगा ही आएगा। चलो ठीक है, आई थिंक बहुत सा टाइम हो गया, क्योंकि लगभग लगभग 22 मिनट हो गए, मतलब 3:22 हो गए, तो हम क्लोजिंग करने की ट्राई करते हैं मार्केट को समझ कर। अभी देखो मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट में एक शार्प सेलिंग आया, फिर मार्केट एक जगह पर रुक गया, इतना हुआ। लेकिन ये जो डंडा नीचे आया है, ये डंडा खराब कर रहा है आपके पोल को, क्योंकि यहां से यहां तक आता पोल एंड फ्लैग बोला जाता और फिर कंटिन्यूशन में बोला जाता, लेकिन ये डंडा जो है ना आपका, ये डंडा ही बनेगा कल जाकर आपको, आपको थोड़ा परेशानी क्रिएट करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दे तो आपके लिए कि राम मंदिर के लिए आपको पता है कि जो काफी लॉन्ग टाइम से सालों से जो चीजें पड़ी हुई थी वो सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए काम करने वाली, इलेक्शन में काम करने वाली है। एक थोड़ा एक आपको ऑन द टॉपिक को छोड़कर मैं थोड़ा सा आउटर द टॉपिक जाकर कुछ बता रहा हूँ। देखो 22 डेट को आपको पता है कि राम मंदिर का ओपनिंग होगा। अब देखो हमारे मार्केट में और राम मंदिर में क्या डिफरेंस होने वाला है और क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहली बात, इंडिया इमोशनल है, आप सबको पता है इंडिया इमोशंस के बेसिस पे हम ज्यादा काम करते हैं। अगर हम मंदिर नहीं बनाते इस साल पे, ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन में बीजेपी को फर्क पड़ने वाला था, लेकिन इस साल में हमने बीजेपी को जितवाने के लिए या फिर बीजेपी को, देखो ऑब्वियस सी बात है यार कुछ तो बेनिफिट लेना लेगी ना सरकार, जो भी है तो वो भी बेनिफिट ले लेंगे, क्योंकि हिंदुज्म 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 इन चीज का जो यूज होगा वो बहुत तगड़े लेवल पे चलेगा। दूसरी बात, जब 22 जनवरी में अभी हमारा राम मंदिर ओपन हो जाएगा, उसके पहले पहले अभी डेट्स कितने बचे हैं, ओनली
अभी कल के दिन पे 10 तारीख है, 10 जनवरी, ये आज ही है, आज ही आई थिंक, आज ही 10 जनवरी है, राइट, आज 10 जनवरी है, तो बचे हैं इसको ओनली 12 डेज। अब इस 12 डेज में सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग लोग करेंगे, समझो मैं कुछ क्या बता रहा हूं अच्छे से समझिए, सबसे ज्यादा लोग अभी ट्रैवलिंग करेंगे, सारे के सारे मिलकर घुसेंगे, सारे के सारे दिल्ली में जाएंगे, मतलब राम मंदिर के पास चले जाएंगे, एमपी में आता है ना वो, एक्चुअली में मुझे भी लोकेशन थोड़ा सा मैं यहाँ गड़बड़ी कर सकता हूँ, बाकी आप चेकआउट कर लेना, राम मंदिर जहाँ पर आ रहा है। ओके, तो कौन से स्टॉक्स में भी आ सकता है रैली, यहाँ पर तो आ ही रहा हूँ मैं, उसके साथ साथ आप देखिए कौन से स्टॉक्स में रैली आएगा, क्योंकि सारे लोग ज़्यादातर ट्रैवलिंग करेंगे, इसके बाद भी तो जाएंगे ना, 22 ओपन के बाद तो कोई नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी भीड़ होगी, उसके बाद भी तो लोग जाएंगे, वहाँ पर क्या क्या मदद होगा आपकी सुनिए, यूज़ क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। रेलवे होगा, IRCTC, स्टॉक्स में फोकस करके रखिए, होगा ऑब्वियसली बात है, नेक्स्ट 6 महीने में ये दबा के होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल सेट होने वाला है राम मंदिर का, ऐसा बीजेपी ने बनाया भी, ऐसा गवर्नमेंट ने ऐसा एग्जाम्पल भी सेट आउट किया। उसके बाद फ्लाइट से भी होगा, तो फ्लाइट में कौन सी कंपनी ज्यादा वर्कआउट कर सकती है, पॉसिबिलिटीज है कि इंडिगो ज्यादा काम कर सकती है, इंडिगो के साथ साथ और भी कंपनीज है, जो नई कंपनी राकेश झुंझुनवाला की जो कंपनी आई है वो कंपनी भी काम कर सकती है, उनका नाम क्या है, मैं खुद आकाशा एयरवेज, आकाशा आकाशा एयरवे, ये भी है, इनको भी बेनिफिट मिल सकता है, तो लेकिन ये लिस्टेड है कि नहीं, लिस्टेड अभी तक तो हुआ नहीं आई थिंक सो, ये मुझे भी खुद पर्सनली याद नहीं आ रहा है, लेकिन IRCTC पे फोकस रख सकते। दूसरा दूसरी बात, टाटा कंपनी ने बहुत सारे नए नए कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं, जो कि टाटा कंपनी ने होटल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इन्वेस्टेड किए हैं, तो वहां पर वो काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो उसके ऊपर स्टॉक्स भी फोकस करके रखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, डालिए कि टाटा कंपनी ने कौन से होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी जाकर ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जहां पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी बात ये हो गया, इसके बाद देखो सारे सारे सब लोगों को बेनिफिट होगा, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में बेनिफिट होगा, सबको होगा, बहुत सारी चीजों को बेनिफिट होगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा सेटअप करना है, लेकिन फोकस में रख सकते हैं हम, उस चीज का बेनिफिट हमें मिल सकता है, लेकिन याद रखिए कि इंडिया थोड़ा सा इमोशन बेसिस पे ज्यादा काम करता है, मार्केट हर दिन का रोना कभी रोता नहीं है, मतलब राम मंदिर का ओपनिंग होने वाला है ये मार्केट को पहले ही पता है, सब चीजों को पहले पता है, लेकिन मैं निफ्टी का जिस तरीके से चार्ट देख रहा हूँ, निफ्टी कुछ मुझे ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है, निफ्टी ये जगह पर देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या बैंक निफ्टी को पीछे रख करके निफ्टी अकेला भाग जाएगा, या फिर ऐसे स्टॉक्स बन जाएंगे कि जो बैंक निफ्टी को भगा देंगे, क्योंकि निफ्टी में मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, निफ्टी में क्लियर कट एक पैटर्न बन रहा है, जो पैटर्न दिख रहा है कि बुलिश साइड में फटने वाला पैटर्न मुझे दिख रहा है, आप भी जाकर ढूंढ के निकाल सकते हो, देख सकते हो, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़े से कवर करना भी जरूरी हो सकता है, क्योंकि ये कोई आपको बताएगा नहीं कहीं पर जाकर, तो इन सारे स्टॉक्स में भी यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, इन चीज को देखना देखना पड़ेगा, और भी कुछ बहुत सारी कंपनीज है तो उसमें भी आप फोकस करके रख सकते हो, ये भी आपको आने वाले टाइम में काफी मदद करने वाले हैं, अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी को देखते क्या सकता है, मुझे बैंक निफ्टी की वजह से ना थोड़ा निफ्टी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर निफ्टी की वजह से मैं मुझे बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि निफ्टी बोल रहा है मैं ऊपर जाऊंगा, बैंक निफ्टी बोल रहा है मैं नीचे जाऊंगा, भाई दोनों को कैसे एडजस्ट करना है ये थोड़ा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, फिर निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं, वॉट एवर जो होगा, यहाँ पर अभी मार्केट यहाँ पर खुलता है, पहली कैंडल यहाँ पर रेड बन जाती है, तो मार्केट इसी कैंडल का जब तक लो क्रॉस नहीं करेगा तब तक सेल नहीं करना है, मार्केट इसे रेड कैंडल बनाकर अगर फिर से ऊपर जा रहा है तो डोंट सेल द मार्केट, पहली रेड कैंडल बनाने मार्केट ऊपर जाकर फिर से अगर नीचे चला जाता है, कंटिन्यूस में चला जाता है, हम मार्केट को सेल करके चले जा सकते हैं, मैंने टारगेट जो बताया उसी तरीके से प्लान बना सकते हैं, इससे तो कोई प्लान नहीं बनाना, अगर कल सोचो मार्केट ऐसा कुछ करने लगता है, मतलब मार्केट ओपन इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन हो जाता है, फिर से सीधे सीधे ऊपर ही चला जाता है, डोंट बाय द मार्केट, पहली बार में बैंक निफ्टी को गलती से भी बाय नहीं करना है, वॉट एवर एनी सिचुएशन बाय नहीं करना है, ये ऊपर जाएगा जाने दीजिए फिर से फेल होकर नीचे चला जाएगा, और फिर जाकर अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर तरीके से पैटर्न बनाता है और फिर उसका ऊपर की ओर साइड में डाउन साइड में अगर निकलता है तभी जाकर आप मार्केट को बाय या सेल कर सकते हैं, उसके पहले पहले कोई प्लान नहीं बनाने वाले, इस प्लान को याद रखिए, मैं फिर निफ्टी को लेकर चलता हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस जगह पर, ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस जगह पर, क्योंकि पता नहीं है ये अच्छी अच्छी तरीके से मोमेंटम में नहीं है, तो जानबूझकर इसमें फंसने से तो कोई नहीं है, ये भाई साहब थोड़ा ये निफ्टी रानी थोड़ी सी कुछ अलग तरीके से ट्रेड कर रहा है, आप देखा जाए तो लास्ट में ये ऊपर जाकर क्लोज कर जाए अच्छी तरीके से, अगर इसी रेंज में अंदर नीचे की साइड में क्लोज कर जाता तो कुछ अच्छा प्लान देख सकते थे कि बैंक निफ्टी को भी सेल कर सकते, इसको सेल सकते थे, कोई मतलब ही नहीं कल जाकर ट्रेड करके फंसने वाला चीज़ों में, बैंक निफ्टी को तो कल मैं बोलता हूँ कि छोड़ ही दीजिए, टच भी मत कीजिए, अगर निफ्टी में थोड़ा सा फोकस रख सकते, क्योंकि निफ्टी तो ऊपर के लेवल पर जाकर क्लोजिंग कर चुका है, अच्छे लेवल पर जाकर क्लोजिंग कर चुका है, मार्केट अच्छे एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पर जाकर
क्लोजिंग कर चुका है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल पे भी ट्रेड करने में भी थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ट्रेड करने में भी थोड़ी सी गड़बड़ी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट को अगर देखा जाए तो यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ से बाइंग, मतलब क्या ही देखो जाएगा, देखा जाए तो देखो यहाँ पर मार्केट आ जाता है, रोते 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 नीचे चला जाता है, फिर रोता है, फिर रोता है, फिर रोता है, फिर ऊपर चला जाता है, मतलब सेलिंग में सेलर में तो कोई दम ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाने के लिए देख रहे हो। राम मंदिर का एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल सेटअप होने वाला है, पहली तो बात सबके लिए काफी टाइम पहले बोलना चाहिए था, जय श्री राम एवरीवन, तो पहले ही बोलना चाहिए था, लेकिन लेट हो गया, डोंट वरी अबाउट दैट। या पता ये ना, ये थोड़ा सा कल गड़बड़ी करेगा, कंफ्यूज में डाल देगा आपको, कंफ्यूज में डाल देगा कि क्या करना है समझ में नहीं आएगा। निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है ना, एक आधा घंटा वेट कीजिए, एक हाफ एन आवर यहाँ पर वेट कीजिए, अगर ये हाफ एन आवर अगर यहाँ पर ये रुक जाता है ऊपर क्यों चला गया, तो एक हाफ एन आवर, व्हाट इज दिस, एक हाफ एन आवर अगर इसको वेट कीजिए, अगर ये हाफ एन आवर यहाँ पर जाने के बाद, यहाँ पर ये हाफ एन आवर इसी रेंज के अंदर अंदर रुक जाता है, तो पहले निफ्टी यहाँ से जब निकलेगा तो धीरे 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 निकल सकता है, धीरे 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 ऊपर जा सकता है, जब जाकर ये 21,700 के पास जाकर यहाँ पर ये थोड़ा बहुत टाइम रुकेगा, 650 से लेकर लगभग 650 से लेकर 700 के पास जाकर ये थोड़ा बहुत जब रुकेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, थोड़ा सा नाश्ता विश्ता करेगा, थोड़ा सा टाइम के रुकने के बाद अगर फिर निफ्टी निकल जाती है, तो निफ्टी में और एक आपको लाइफ टाइम हाई देखने के लिए मिल सकता है। इस निफ्टी में मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, निफ्टी बहुत अच्छी जगह पर ट्रेड कर रहा है, क्या पता जो निफ्टी में मुझे इतना अच्छा लगने का रीजन क्या पता राम मंदिर ही ना हो, मतलब ऐसा बोलते कि राम ही ना हो, भगवान राम ही ना हो, क्योंकि दिख भी रहा है कि भाई ये है तो स्ट्रांग ही, तो आ ही नहीं रहा है नीचे, तो क्या कर सकते, इसीलिए ये स्ट्रांग मुझे थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है इस पेजेस पे। लेट सी, लेट थिंक कि किस तरीके से बिहेवियर कर सकते, लेकिन हाफ एन आवर टाइम स्पेंड करने के बाद ही देखेंगे। लेकिन अगर सोचो कि मार्केट यहां पर ओपन और पहली बार में डायरेक्टली नीचे चला जाए ना, तो पहली बार में सेल भी गलती से मत कर लेना, क्योंकि वापस यू टर्न मारने की कोशिश कर सकता है और फिर आप यहां पर ट्रैप हो सकते हो, फंस सकते हो। कल अगर निफ्टी इसी रेंज में अंदर ओपन हो जाता है ना, तो पहले वेट करो, एक आधा घंटा यहां पर रुकने दो इसको, देखते आधा घंटा रुकने के बाद क्या है, अपसाइड निकल जाता है, फिर नीचे निकल जाता है, सेलिंग के लिए आएगा, तो निफ्टी को थोड़ा सा रुकी है 21,520, इसके नीचे अगर निफ्टी जब तक प्रॉपर लेवल पे सस्टेन नहीं करता, तब तक निफ्टी को सेल मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है इसके लिए, निफ्टी के लिए। निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है ज्यादातर तरीके से, मुझे जिस तरीके से लग रहा है, निफ्टी में ज्यादातर जो पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है कि बाइंग साइड के लिए पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन ओपनिंग ज्यादा मैटर करता है, मतलब अगर ओपनिंग यहां पर कहीं पर भी हो जाता है तो फिर सेलिंग बाइंग का कोई मतलब नहीं बनेगा मेरे लिए, बाइंग का कोई भंडा नहीं बचेगा, गैप अप हो रहा है मेरा, तो वही डिसाइडेड है कि मार्केट गैप ऊपर जाने वाला है, पॉसिबिलिटीज और ज्यादा है कि फिर ये किसी के लिए नीचे नहीं आएगा, वॉट एवर तुम जितना भी चाहे ट्राई कर लो, ये ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर ये पेजा थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा और फिर से यू टर्न मारकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और एक लाइफ टाइम हाई भी वापस एक बार निफ्टी के लिए देखा जा सकता है, इट इज हाईली पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा मार्केट कल के लिए, जैसे हम पिछले काफी लॉन्ग टर्म से देख रहे हैं, मार्केट उसको ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा है, उसी रेंज के अंदर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी ऊपर कभी नीचे, उसी रेंज के अंदर अंदर ज्यादातर टाइम पास कर रहा है। सो विल नॉट डिसाइड द परफेक्ट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, बट निफ्टी के लिए थोड़ा सा लंबा व्यू के लिए मार्केट पॉजिटिव अभी भी दिख रहा है, मार्केट क्या कर सकता है, लेट थिंक अबाउट दैट कि मार्केट कैसे करता है, क्या करता है, ओपनिंग होगा उसके बाद और भी ज्यादा डिसाइड करने का प्लान करेंगे। मैं मिलता हूं आपको इस नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।